साथियों नमस्कार। राजनीति भी सचमुच अबूझ पहेली है। यह कहावत तो राजनीति में अक्सर कही जाती है कि यहाँ कोई न अस्थाई दोस्त है न अस्थाई दुश्मन। दिस महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए। चुनाव परिणाम के बाद लगा कि पेच हरियाणा में फंसेगा सरकार बनाने को लेकर, लेकिन पेच वहाँ फंस गया जहाँ चुनाव पहले गठबंधन शिवसेना और भाजपा का साथ था। हरियाणा में जेजेपी और कांग्रेस और भाजपा सबने अलग अलग चुनाव लड़ा। जेजेपी ने चुनाव में पुरजोर विरोध भाजपा का किया, लेकिन सरकार वहां बन गई भाजपा और जेजेपी की। लेकिन जहां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा शिवसेना और भाजपा ने, जहां दोनों की विचारधाराएं कमोबेश एक सी है, वहां सरकार का पेंच फंस गया। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही शिवसेना ने ऐसा दांव फेंका है कि कह रही है वो सेना कि हम 50-50 पर समझौता हमारा हुआ है। मतलब 2.5 साल सरकार के मुखिया भाजपा के हों तो 2.5 साल हमारे मुखिया हों। सेना परिवार की जो मुखिया हैं, बाला साहब ठाकरे के परिवार से पहला व्यक्ति चुनाव लड़ा बाला साहब का पोता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का पुत्र आदित्य ठाकरे। अब देखने में तो दिलचस्प ये लगता है, हम जो जिक्र कर रहे हैं, देखने में दिलचस्प तो ये लगता है कि भाजपा के खिलाफ जो सेना का दांव है वो पूरी तरह ये लग रहा है कि किसी भी ढंग से वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन यदि इसके गंभीरता को, सेना के चरित्र को समझने की कोशिश करें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जो डार्विन के सिद्धांत हैं उस पर यदि हम गौर करें तो ऐसा लगता है कि सेना का दांव कहीं से भी आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने का अब है ही नहीं, क्योंकि उस हैसियत में सेना है ही नहीं कि दांव चल सके। लेकिन दांव इस बात को लेकर के है कि सेना का वजूद कैसे बचाया जाए। इसीलिए सेना दिखाना ये चाहती है कि हम समझौता किस हद तक कर सकते हैं, करने जा रहे हैं। सेना कह रही है कि हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा किसी भी हाल में उद्धव ठाकरे को ना तो मुख्यमंत्री ना तो उप मुख्यमंत्री बनाएगी, ये शिवसेना को पूरी तरह से पता है। तो फिर होगा क्या? होगा यह कि संजय राउत ने जो बयान दिया है वो उससे हटकर है जो पारंपरिक राजनीति के लिए बयान है कि राजनीति में कोई दुश्मन या अस्थाई दोस्त नहीं होता। उससे जुदा होकर के शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि राजनीति में कोई संत बनने नहीं आया है। निश्चित रूप से बहुत सही कह रहे हैं वो कि सत्ता हासिल करना और सत्ता में बने रहना ही राजनीतिक दल और राजनेता का प्रथम और आखिरी उद्देश्य होता है। और मुझे लगता है कि नैतिकता के पैमाने पर इस पर कभी कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या शिवसेना करेगी? क्या शिवसेना के पास बचा क्या है? जो गिदर भव की दी जा रही है शिवसेना की तरफ से कि हमारे पास विकल्प हैं, विकल्प क्या हैं? तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि सेना यदि चाहे, प्रस्ताव यदि भेजे तो हम गौर कर सकते हैं, हमारे आला कमान गौर कर सकते हैं। कांग्रेस ने ये बार बार संदेश दिया है। अब सोचिए जिस कांग्रेस का चरित्र और सेना के चरित्र में कितना अंतर है, फिर भी कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को रोकने के लिए हमें यदि शिवसेना को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो हम शिवसेना को भी सपोर्ट करेंगे। वो कांग्रेस जो हरियाणा में कह रही है कि जेजेपी और कांग्रेस का गठबंधन बेमेल और अनैतिक गठबंधन है, वो कांग्रेस महाराष्ट्र में कह रही है कि हम सेना यदि हमसे समर्थन मांगे तो हम इस पे विचार कर सकते हैं। अब देखिए जिस यदि आंकड़ों की बात करें तो ये कतई संभव नहीं दिखता, इसलिए कि कांग्रेस उसमें महाराष्ट्र में सबसे पिछलग्गू पार्टी है, चौथे नंबर की पार्टी है, और शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी। सेना के पास 56 सीट हैं, कांग्रेस के पास 44 सीट हैं। ये 100 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 145 विधायकों का समर्थन सरकार बनाने के लिए चाहिए और एनसीपी ने कह दिया है कि जनता ने हमें विपक्ष में रहने को कहा है तो हम विपक्ष में ही रहेंगे। यदि मान लीजिए कि अब देखिए कि राजनीति के चरित्र को समझिए, और यदि हम मान भी लेते हैं कि शिव एनसीपी ने सपोर्ट भी कर दिया तो क्या होगा?
सेना का क्या होगा, शिवसेना का क्या होगा यदि एनसीपी ने सपोर्ट कर दिया तो? जिस एनसीपी, जिस शरद पवार को लेकर के सेना का पूरा चरित्र शिवसेना का रहा है, पूरी राजनीति शिवसेना की शरद पवार को लेकर के रही है कि किस तरह से शरद पवार को सेना ने दाऊद के गिरोह से जोड़ा, हमेशा उस उन पे अटैक इसी लिहाज से किया, क्या उनसे सपोर्ट लेगी? दूसरी चीज ये है कि यदि शिवसेना आदित्य ठाकरे के नाम पर जिद करती है, जो कि जिद करते हुए दिख नहीं रही है, इसलिए जिद करते हुए नहीं दिख रही है कि आप देखेंगे कि बड़ी चालाकी से सुशील शिंदे को शिवसेना ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया, उधर देवेंद्र फडणवीस को चुना गया तो इसके जवाब में आदित्य ठाकरे को नहीं चुना गया, सुशील शिंदे को चुन लिया गया, सुनील शिंदे को चुन लिया गया। अब सुनील शिंदे का चुना जाना साफ दिखाता है कि आदित्य ठाकरे पर वो दाव नहीं चल रहे हैं, वो दाव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का चल रहे हैं कि न्यूनतम समझौते पर भाजपा उससे समझौता कर ले। आदित्य ठाकरे को किसी भी हाल में यदि उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाता है तो मंत्री तो कतई नहीं चाहेंगे। क्या बाला साहब ठाकरे का पोता किसी फडणवीस के मंत्रालय में सामान्य मंत्री रहकर के शिवसेना के वजूद को खत्म कर देगा? इसकी कल्पना नहीं। जो धरती भर भी शिवसेना के राजनीति को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि शिवसेना कभी भी इस पर विचार ही नहीं कर सकती। तो फिर क्या होगा? शिवसेना यदि सरकार बनाती है कांग्रेस के साथ मिलकर के, बाहरी संगठन सहयोग एनसीपी के साथ, तो सेना की स्थिति वही होगी जो दिल्ली में कांग्रेस की हुई। अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट करने कर जो कांग्रेस ने सरकार बनाई भाजपा को रोकने के लिए, उसके कारण कांग्रेस का वजूद, जो कांग्रेस सर्वमान्य थी दिल्ली में, उस कांग्रेस का दिल्ली से पूरी तरह से वजूद खत्म हो गया। जिस कांग्रेस के विरोध पर अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, उसके साथ सरकार बना लिया कांग्रेस ने, कांग्रेस का वजूद दिल्ली में खत्म हो गया। वही हाल यदि सेना कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाती है तो सेना का वजूद खत्म हो जाएगा, और भाजपा यही चाहेगी कि किसी भी तरीके से शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बना ले यदि, और उसको एनसीपी सपोर्ट करे ताकि सेना का पूरी तरह से सफाया हो जाए। और शिवसेना के साथ यदि कांग्रेस जाती है तो निश्चित रूप से उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको चोट पहुंचेगा, इससे कांग्रेस को भी घाटा होगा। तो हर हाल में भाजपा ये चाहेगी राजनीतिक समीकरण में कि सेना को इस कदर तंग कर दिया जाए, वो जिद पे यदि अड़ी है तो उसके जिद को इस तरह से बेनकाब कर दिया जाए कि या तो वो खुद कहे कि हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, या फिर भाजपा सरकार ना बनाने का, किसी को सपोर्ट ना करने कर यदि बाहर रहने का सेना फैसला करती है, उसमें भी भाजपा के पास बड़े दांव होंगे। वो कहेंगे, हम कहेगी कि हम चुनाव में जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने चुनाव पूर्ण गठबंधन किया था, पूर्व गठबंधन किया था, और शिवसेना ने इस गठबंधन धर्म को नहीं निभाया, सरकार नहीं बनाने दिया। ऐसे में जरूरी है कि जो राष्ट्रवादी वोट है, जो हिंदूवादी वोट है, वो ये समझे कि शिवसेना ने एक राष्ट्रवादी सरकार, एक हिंदूवादी सरकार नहीं बनने दिया, और इस लिहाज से जो पूरा जो चुनावी समीकरण है, जो वोट जो दूसरी बार के चुनाव में हो, जैसा ठीक दिल्ली में हुआ अरविंद केजरीवाल, ऐसे राजनीति में मेरा मानना है कि दो चार हमेशा हर जगह एक जैसे नहीं होते, हर राज्यों के समीकरण अलग अलग होते हैं, मगर फिर देखिएगा यदि किसी भी ढंग से चुनाव दोबारा होते हैं, सेना ने यदि मजबूर कर दिया, भाजपा यही चाहेगी कि दोबारा चुनाव हो, और दोबारा चुनाव यदि होगी तो एकीकृत हो जाएगा एक राष्ट्रवादी वोट या कहें हिंदूवादी वोट, और उससे भाजपा को बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें सेना और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसमें 122 सीट, अभी जो 105 सीट भाजपा को मिले हैं उस वक्त 122 मिले थे और सेना को 63। तो जो दांव शिवसेना आपको दिख रहा है कि दांव शिवसेना आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खेल रही है, वो दरअसल वो जानती है कि भाजपा उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, क्योंकि जो आंकड़ों का गणित है आधा से भी कम है आपके पास, आप मात्र 56 सीट पे आप मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, 50-50 का समीकरण चाह रहे हैं, ये कतई संभव नहीं है। सेना इस बात को जानती है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला है, और ये वक्त है कि शिवसेना यदि जिद करती है, शिवसेना को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे का दौर नहीं है कि सेना की तरफ से फरमान मातोश्री से जारी होता था, ये वक्त बदल चुका है, ये आदित्य ठाकरे का दौर है, लिजलिजा दौर है, जिसमें बाला साहब ठाकरे का आदेश नहीं चलता, वक्त
बहुत बदल चुका है, सेना इसे समझ तो रही है लेकिन मान नहीं रही है, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के इस संघर्ष में सेना भी चाहेगी कि उसका वजूद बच जाए, और किसी भी ढंग से भाजपा उसे न्यूनतम साझा समझौते पर समझौता कर ले और सरकार बना ले। ये गिदरभव की जो दिखने वाली दिख रही है वो दरअसल सिर्फ प्रदर्शन की है, सरकार वही बनेगी जो आपको दिख रही है। फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे लेकिन इस न्यूनतम समझौते में कहीं ना कहीं शिवसेना सिर्फ खोती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प होगा देखना, देखिएगा जरूर, और इस विश्लेषण को यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत आभार।